हेलो दोस्तों, आज के ये वीडियो में अपन देखेंगे एरिया ऑफ सर्कल कैसे लाना है एज पर गिवन डेटा। गिवन डेटा ये दिया है आपको, एक ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल ABC, और ट्राइंगल के जो तीनों साइड्स है वो दिए है आपको 10, 10 और 12। इसका मतलब ये आइसोसेलस ट्राइंगल है, और इस ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस से एक सर्कल पास हो रहा है, उस सर्कल का एरिया लाना है। तो इस सर्कल को अपन सरकम सर्कल बोलते हैं, सरकम सर्कल। तो सरकम सर्कल का एरिया लाने के लिए अपने को रेडियस लगेगा, वी नीड टू फाइंड रेडियस। तो सर, रेडियस कहाँ से लाना पड़ेगा, कैसे लाना है? तो रेडियस लाने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है अपने पास, ठीक है? क्या फॉर्मूला है वो देखो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4R। ABC क्या है सर? ये स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये तीनों साइड्स है बेटा। इसको अपन ए बोलते हैं, और इसको बी बोलेंगे, और इसको सी बोल देंगे। तो ए का वैल्यू रहेगा बेटा 12, बी का वैल्यू रहेगा 10, और सी का वैल्यू रहेगा 10, ठीक है? ये है तीनों साइड्स, तीनों साइड्स अपने को मालूम है, तीनों साइड्स अपने को मालूम है ABC, पर ट्राइंगल का एरिया वी डोंट नो, वी डोंट नो ट्राइंगल का एरिया। देखो, अपना सबसे फर्स्ट काम ये रहेगा कि पहला जो स्टेप रहेगा, वी नीड टू फाइंड कैपिटल आर। तो कैपिटल आर लाने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लाना पड़ेगा, वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये मिल गया तो आर मिल जाएगा, और कैपिटल आर मिल गया तो सर्कल का एरिया मिल जाएगा। दिस इज द फ्लो। सर, अभी अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कहाँ से मिलेगा, सोचो जरा। लगा तो 10 सेकेंड का टाइम ले लो आप लोग, मैं तो बताने वाला ही हूँ। हाँ, नहीं मिला तो आप वीडियो को कंटिन्यू करो। सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपन ला लेंगे। देखो, जिनको खुद से करना है आप 10 से 20 सेकेंड पॉज लो, वीडियो को पॉज करो। बाई यूजिंग हिरॉन्स फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो पहले अपने को स्मॉल एस लगेगा, स्मॉल एस सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए का वैल्यू 12, बी का वैल्यू 10 और सी का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा देख लो, 32 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 16। सर, सेमी पेरीमीटर तो मिल गया, अब हेरॉन्स फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लो। तो ये आ जाएगा बेटा 16 in bracket 16 minus 12, 16 minus 10, 16 minus 10। तो कैलकुलेशन कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 16 into 4 into 6 into 6, ठीक है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 64 और इधर 36। स्क्वेयर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 8, और यहाँ पे आ जाएगा 6, दैट इज इक्वल टू 48। तो ट्राइंगल का एरिया अपने को मिल गया 48 स्क्वेयर यूनिट्स। सर, अभी ट्राइंगल का एरिया मिलने के बाद तो अपने को क्या करना है बेटा, कैपिटल आर लाना है। कैपिटल आर के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिख कर दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4R। तो अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो मिल गया है, तो आप क्या करेंगे, आर 4R को इधर भेज दो, तो ABC अपॉन इधर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, 4 को भी उधर भेज दो, तो यहाँ पे बचेगा आर। तो अपने को कैपिटल आर मिल जाएगा ABC अपॉन 4 into एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, सिंपल सा फॉर्मूला, कुछ भी टफ नहीं है। तो सर, कैपिटल आर यहाँ से तो मिल जाएगा, राइट? चलो, तो ए का वैल्यू पुट कर दो बेटा, ए का वैल्यू है 12, बी का वैल्यू 10 और सी का वैल्यू 10 है। 4 into एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आया अपना, 48। तो अपने को कैपिटल आर मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको फ्लो बताया था, कैपिटल आर लाना पड़ेगा। बट कैपिटल आर के लिए अपन ने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ला लिया, अब ये मिल जाएगा तो कैपिटल आर आ जाएगा, आर आ गया तो एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा,
ठीक है, आप आपको लगा तो आप वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो आगे। हाँ, कैलकुलेशन चेक करने तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये आ जाएगा सिंपलीफाई करके 4, और फिर यहाँ पे आ जाएगा सिंपलीफाई करके 5 और 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 और इधर 5, दैट इज 25/4। दिस इज सर्कम रेडियस। ये कुछ कुछ क्वेश्चंस में, अलग अलग एग्जाम्स में सर्कम रेडियस कैलकुलेट करो बोल के आता है एग्जाम्स में, तो आप ये फॉर्मूले से ला सकते हैं। बट अपने को सर्कम रेडियस के आगे बढ़ना है, वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दैट इज पाई आर स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा बेटा पाई इंटू, पाई का वैल्यू दिया नहीं है तो अपन ने वैसा ही रखा है, और आर स्क्वेयर आ जाएगा 25/4 का स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा बेटा 625/16 पाई स्क्वेयर यूनिट्स। ठीक है, चलो। तो फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। चलो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।